महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान विद्यासागर राव, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोवाल जी, फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिगल व अन्य फ्रांसीसी अतिथिगण, नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा जी, कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा जी, वाइस एडमिरल डीएम देशपांडे जी, सीएमडी एमडीएल श्रीमान राकेश आनंद, कैप्टन एचडी महनले, नौसेना के अन्य अधिकारी एवं सैनिकगण, एमडीएल मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, आज 125 करोड़ भारतीयों के लिए यह गौरव से भरा हुआ एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य का अवसर है। मैं देश की जनता की तरफ से भारतीय नौसेना को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। करीब 2 दशक के अंतराल के बाद भारत को इस तरह की पनडुब्बी मिल रही है। नौसेना के बेड़े में कलवरी का जुड़ना रक्षा क्षेत्र में हमारी तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसे बनाने में भारतीयों का पसीना लगा है, भारतीयों की शक्ति लगी है। ये मेक इन इंडिया का एक उत्तम उदाहरण है। मैं कलवरी के निर्माण से जुड़े हर श्रम योगी को, श्रमिक को, हर कर्मचारी का आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कलवरी के निर्माण में सहयोग के लिए मैं फ्रांस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये पनडुब्बी भारत और फ्रांस की तेजी से बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, ये वर्ष भारतीय नौसेना की सबमरीन आर्म का स्वर्ण जयंती वर्ष है। अभी पिछले हफ्ते ही सबमरीन आर्म को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। कलवरी की शक्ति, या कहें टाइगर शार्क की शक्ति, हमारी भारतीय नौसेना को और मजबूत करेगी। साथियों, भारत की सामुद्रिक परंपरा का इतिहास बहुत ही पुराना है। 5000 साल पुराना गुजरात का लोथल दुनिया के शुरुआती सी पोर्ट्स में से एक रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि 84 कंट्रीज से व्यापार के लोथल के जरिए हुआ करता था। एशिया के अन्य देशों और अफ्रीका तक में
हमारे संबंध समंदर की इन्हीं लहरों से होते हुए आगे बढ़े हैं। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी हिंद महासागर ने हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ जोड़ा है, उनके साथ खड़े होने में हमारी मदद की है। हिंद महासागर ने भारत के इतिहास को गढ़ा है और अब वो भारत के वर्तमान को और मजबूती दे रहा है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हमारा समुद्री तट, 1,300 के करीब छोटे बड़े द्वीप, लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक ऐसी सामुद्रिक शक्ति का निर्माण करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हिंद महासागर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महासागर दुनिया के 2/3 ऑयल शिपमेंट्स, दुनिया के 1/3 बल्क कार्गो और दुनिया के आधा कंटेनर ट्रैफिक का भार वहन करने वाला है, करता है। इससे होकर गुजरने वाला 3/4 ट्रैफिक दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाता है। इसमें उठने वाली लहरें दुनिया के 40 देशों और 40% जनसंख्या तक पहुंचती है। साथियों, कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये भी तय है कि 21वीं सदी के विकास का रास्ता हिंद महासागर से होकर के ही निकलेगा, और इसलिए हिंद महासागर की हमारी सरकार में की नीतियों में एक विशेष उसका स्थान है, विशेष जगह है। ये अप्रोच हमारे विजन में झलकती है। मैं इसे एक स्पेशल नाम से भी उल्लेख करता हूं, सागर, SAGAR। और जब मैं सागर कहता हूं यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर। हम हिंद महासागर में अपने वैश्विक, सामरिक और आर्थिक हितों को लेकर पूरी तरह सजग हैं, सतर्क हैं, और इसलिए भारत की मॉडर्न और मल्टी डायमेंशनल नौसेना पूरे क्षेत्र में शांति के लिए, स्थायित्व के लिए आगे बढ़कर के नेतृत्व कर रही है। जिस तरह भारत की राजनीतिक और आर्थिक मैरिटाइम पार्टनरशिप बढ़ रही है, क्षेत्रीय फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा रहा है, उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति और आसान नजर आती है। साथियों, समुद्र में निहित शक्तियों हमें राष्ट्र निर्माण के लिए आर्थिक शक्ति प्रदान करती है, और इसलिए भारत उन चुनौतियों को लेकर भी गंभीर है जिनका सामना भारत ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अलग अलग देशों को भी करना पड़ता है। चाहे समुद्र के रास्ते आने वाला आतंकवाद हो, पायरेसी की समस्या हो, ड्रग्स की तस्करी हो, भारत इन सभी चुनौतियों से निपटने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबका साथ सबका विकास, यह हमारा मंत्र जल थल नभ में भी एक ही समान है। पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए, भारत अपने वैश्विक उत्तरदायित्वों को लगातार निभा रहा है। भारत अपने साथी देशों के लिए उनके संकट के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना हुआ है, और इसलिए जब श्रीलंका में बाढ़ आती है तो भारत की नौसेना तत्परता से मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाती है। जब मालदीव में पानी का संकट आता है तो भारत से जहाज भर भर के पानी तत्काल पहुंचाया जाता है। जब बांग्लादेश में चक्रवात आता है तो भारत की नौसेना बीच समंदर में फंसे बांग्लादेशियों को बाहर निकाल करके ला करके मानवता का काम करती है। म्यांमार तक में तूफान से पीड़ित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना पूरी शक्ति के साथ मानवीय दृष्टिकोण से मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती है। इतना ही नहीं, यमन में संकट के समय जब भारतीय नौसेना अपने 4,500 से अधिक नागरिकों को बचाती है तो साथ में 48 देशों के और देशों के व्यक्तियों को भी सुरक्षित संकट से बाहर निकाल करके ले आती है। भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय सुरक्षा तंत्र का मानवीय पहलू, ये भारत की विशेषता है, ये हमारी विशिष्टता है। मुझे याद है जब नेपाल में भूकंप आया था तो कैसे भारतीय सेना और वायुसेना ने राहत कार्यों की कमान संभाली थी। 700 से ज्यादा उड़ानें, 1,000 टन से ज्यादा की राहत सामग्री, हजारों भूकंप पीड़ितों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सैकड़ों विदेशी नागरिकों को बाहर निकालना, ये मैत्रीभाव भारत के जहन में है, भारत के स्वभाव में है। भारत मानवता के इस काम को किए बिना कभी रह नहीं सकता है। साथियों, समर्थ और सशक्त भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज हम दुनिया के विभिन्न देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनकी सेनाएं हमारी सेना के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए, हमसे अनुभव साझा करने के लिए आतुर रहती हैं। जब वह हमारे साथ एक्सरसाइज में हिस्सा लेती हैं तो अक्सर ये चर्चा का विषय भी रहता है। पिछले वर्ष ही भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए 50 देशों की नौसेनाएं जुटी थी। विशाखापट्टनम के पास समंदर में उस समय बने विहंगम दृश्य किसी के लिए भी शायद ही भूलना संभव है। इस वर्ष भी भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपने शौर्य से दुनिया का ध्यान खींचा है। जुलाई महीने में हुई मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ
सिंगापुर की नेवी के साथ, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया की नेवी के साथ भारतीय नौसेना ने अलग अलग महीनों में इस वर्ष एक्सरसाइज का क्रम लगातार जारी रखा है। भारतीय सेना भी श्रीलंका, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर जैसे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर चुकी है। भाइयों और बहनों, ये पूरी तस्वीर इस बात की गवाह है कि दुनिया के देश शांति और स्थायित्व के मार्ग में भारत के साथ चलने के लिए आज इच्छुक हैं, प्रतिबद्ध हैं। साथियों, हम इस बात के प्रति भी सजग हैं कि देश की सुरक्षा के लिए चुनौतियों का स्वरूप बदल चुका है। हम अपनी रक्षा तैयारियों को इन चुनौतियों के अनुरूप करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, प्रोएक्टिव कदम उठा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी डिफेंस पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्निकल पावर के साथ इंटरनेशनल रिलेशन की पावर, पब्लिक के कॉन्फिडेंस की पावर, देश की सॉफ्ट पावर, इन सभी फैक्टर्स में एक सिनर्जी हो। ये परिवर्तन आज के समय की मांग है। भाइयों और बहनों, पिछले 3 साल में रक्षा और सुरक्षा से जुड़े पूरे इकोसिस्टम में बदलाव की एक शुरुआत हुई है, बहुत नई पहल की गई है। जहां एक और हम आवश्यक साजो सामान के विषय को प्राथमिकता के साथ एड्रेस कर रहे हैं, वहीं देश में ही आवश्यक टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्रोएक्टिव एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया से एक्सपोर्ट प्रक्रिया तक हम पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और संतुलित प्रतिस्पर्धा ला रहे हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अब 49% FDI ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर के कुछ क्षेत्रों में तो अब 100% FDI का रास्ता खुल गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीडर्स में भी हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। इनसे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे रोजगार के भी नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। जैसे मुझे बताया गया है कि INS कलवरी के निर्माण में लगभग 12 लाख मैन डेज लगे हैं। इसके निर्माण के दौरान जो तकनीकी दक्षता भारतीय कंपनियों को, भारतीय उद्योगों को, छोटे उद्यमियों को और हमारे इंजीनियरों को मिली है, वो देश के लिए एक तरह से टैलेंट ट्रेजर है। ये स्किल सेट हमारे लिए एक एसेट है जिसका लाभ देश को भविष्य में लगातार मिलता रहेगा। साथियों, भारतीय कंपनियां डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स बनाएं और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें, इसके लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स पॉलिसी में भी हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। जो प्रोडक्ट्स यहां बन रहे हैं वो हमारे सैन्य बल भी आसानी से खरीद सके, इसके लिए लगभग 150
नॉन कोर आइटम्स की एक लिस्ट बनाई गई है। इनकी खरीद के लिए सैन्य बलों को ऑर्डिनेंस फैक्टरीज की मंजूरी की जरूरत नहीं है, वे सीधे प्राइवेट कंपनियों से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देश को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भारतीय प्राइवेट सेक्टर के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल लागू कर रही है। हमारी कोशिश है कि विदेशों की तरह ही भारतीय कंपनियां भी फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर और टैंक से लेकर सबमरीन तक का निर्माण इसी धरती पर करें। भविष्य में यही स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाएंगे। सरकार ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े सामान की खरीद में भी तेजी लाने के लिए भी अनेक नीतिगत फैसले लिए हैं। रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर स्तर पर फाइनेंशियल पावर्स में भी बढ़ोतरी की गई है। पूरी प्रक्रिया को और सरल और कारगर बनाया गया है। इन महत्वपूर्ण सुधारों से रक्षा व्यवस्था और देश की सेनाओं की क्षमता और भी मजबूत होगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार की सुरक्षा नीतियों का अनुकूल प्रभाव बाहर ही नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सरकार की नीतियां और हमारे सैनिकों की वीरता का ये परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में हमने ऐसी ताकतों को सफल होने नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 200 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के सहयोग से मारे जा चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी कमी आई है। उत्तर पूर्व के राज्यों में भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी स्थिति में काफी सुधार दिखता है। नक्सली माओवादी हिंसा भी कम हुई है। ये स्थिति इस बात का भी संकेत है कि इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोग अब विकास की मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं जिसने देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। राज्यों के पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, हमारी सेनाएं, सुरक्षा में लगे हर वो एजेंसी जो दिखती है और हर वो एजेंसी जो नहीं दिखती है, उनके प्रति इस देश के 125 करोड़ लोग कृतज्ञ हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, देश की मजबूती हमारे सुरक्षा बलों की मजबूती से जुड़ी हुई है और इसलिए सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए हुए उनके लिए फैसले लेना, उनके साथ खड़े रहना, ये इस सरकार की प्राथमिकता है और इस पर सरकार के स्वभाव में है। ये हमारी ही कमिटमेंट थी जिसके कारण कई दशकों से लंबित
वन रैंक वन पेंशन का वायदा हकीकत में बदल चुका है। अब तक 20 लाख से अधिक रिटायर्ड फौजी भाइयों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के तौर पर भुगतान कर दी गई है, दिए जा चुके हैं। भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर मैं सागर परिक्रमा के लिए निकली भारतीय नौसेना की 6 वीर जाबाज अफसरों को भी याद करना चाहूंगा, उनका गौरव करना चाहूंगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला जी की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति का संदेश लेकर बहुत हौसले के साथ ये हमारी 6 जाबाज सेनानी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। साथियों, आप ही जल थल नभ में इसी अथाह भारतीय सामर्थ्य को सहजे हुए हैं। आज INS कलवरी के साथ एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। समुद्र देव आपको सशक्त रखें, आपको सुरक्षित रखें। क्षमा नव वरुण, आपका ही ये मोटो है। हमारी इसी कामना के साथ मैं आपको एक बार फिर नमन करता हूं। शुभकामनाओं के साथ आप सबको इस गोल्डन जुबली ईयर पर एक नए पदार्पण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।